आज मैं आपके लिए ऐसा एक केक का रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाने के लिए कोई ओवन की ज़रूरत नहीं, कोई बटर की ज़रूरत नहीं है। बिना अंडे का मैंने बनाया है, और जिसको केक बनाना नहीं आता है वो भी इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी केक घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मेरा मिशन है आप सभी को बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले केक बनाने के लिए आधा लीटर दूध ले लिया है। दूध को गर्म करने के लिए पैन में छोड़ दिया है। इसके साथ हमने लिया है यहाँ पर हाफ कप शुगर। हाफ कप मतलब करीब 100 ग्राम के करीब मैंने शुगर लिया है, और इसको अच्छे से घोल लेंगे। इसके बाद दूध जो है इसको आधा क्वांटिटी होने तक हम इसको जाल दे देंगे। आप सोच रहे होंगे कि केक बनाना है तो दूध की क्या ज़रूरत है। तो आधा लीटर दूध जो मैंने लिया है इसको उबाल के हम आधे क्वांटिटी होने तक इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस को धीमी आंच पर करें, या तो अगर हाई फ्लेम पर करना है तो लगातार इसको चला लेनी है। तो देखिए दूध जो है यहाँ पर आधा क्वांटिटी में हो चुका है, तो थोड़ा सा अभी इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध में जो है मलाई जम चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने गाढ़ा लग रहा है पहले से, है ना। अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी दूध में जो रिफाइंड ऑयल है उसको 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। इस केक में बटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, साथ में डालेंगे 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने से ये केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालेंगे। बेकिंग सोडा हमने नहीं डाला है, और कोई विनीगर नहीं डाला, कोई दही का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमने क्या करेंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि एक साथ सारे मैदा को डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाल के इस मिश्रण को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर बैटर जो है बहुत पतला है, तो अभी हम थोड़ा सा मैदा और डाल देंगे इसमें। तो थोड़ा ही मैदा डालेंगे फिर मिक्स करेंगे। और आपको अगर कोई आइसिंग वगैरह नहीं करना है, शुगर की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतनी क्वांटिटी में आप शुगर को इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी मिश्रण जो है हमारा बहुत पतला लग रहा है। तो इस मिश्रण में अगर हम केक बनाने जाएंगे तो केक हमारा अच्छे से फूलेगा भी नहीं, और सॉफ्ट स्पॉन्जी तो दूर की बात है, केक बनेगा भी नहीं। तो क्या करना है, थोड़ा सा और मैदा मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी। आपको भी ऐसे कंसिस्टेंसी देख लेना है कि केक बनाने के लिए जैसे बैटर को हम तैयार करते हैं वैसा कंसिस्टेंसी तक हुआ कि नहीं। तो थोड़ा सा और मैदा मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी देख के ही आपको पता चल रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी तक मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। इससे जो केक है हमारा वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अभी हम एक मोल्ड ले लेंगे और इसमें हम ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। आपके पास ऐसे केक बनाने के लिए बर्तन नहीं है तो कोई भी स्टील की बर्तन में आप इसको बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा जो है मैदा हमने यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया, ताकि केक को जब हम डिमोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। आपके पास अगर बटर पेपर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लिया। बहुत ही सरल सा केक मैं बता रही हूँ, कोई भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। अब पहले से मैंने बर्तन को प्रीहीट कर लिया था। आप देख सकते हैं नीचे ऐसे एक कटोरी दे दिया है, थोड़ा सा गर्म भी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर केक को बनने के लिए इसमें डाल देंगे, और इसको अभी कवर कर देंगे और धीमी आंच पर लगभग 35 से 40 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक टूथपिक लेके देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि केक हमारा बने कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केक कितना फूल चुके हैं और केक हमारा परफेक्ट बन चुके हैं। अभी हम केक को तुरंत डिमोल्ट नहीं करेंगे, इसको ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। इससे केक जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से केक जो है डिमोल्ट हो चुका है। इस केक को आप बिना आइसिंग की भी एंजॉय कर सकते हैं।
यकीन मानिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही सुपर टेस्टी होता है। इस केक की रेसिपी को एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यम्मी बनती है। आप देख भी सकते हैं, मैं अभी आपको कटिंग करके भी दिखा रही हूँ। इससे आसान केक तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सोचिए, बिना अंडा का, बिना ओवन का, बिना कोई मोल्ड का भी इसको आप बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ।